माई डियर स्टूडेंट्स क्या आप सीयू टी का एग्जाम देने वाले हैं और आपका डोमेन हिस्ट्री है आप जानना चाहते हैं कि पेपर कैसा आएगा उसका पैटर्न कैसा रहेगा क्या उम्मीद है आपको 2025 के प्रश्नों की तो आइए इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ वीडियो को अंत तक देखते रहे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सी यू हिस्ट्री एग्जाम पैटर्न वॉट टू एक्सपेक्ट टू मैं शीतल अरोड़ा आपको इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताने वाली हूँ देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है आप कोई भी एग्जाम को देते हैं तो उससे पहले आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए सब बात पेपर कैसा आएगा कहाँ से क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे टाइम कितना मिलेगा ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पढ़ना है और इसी के साथ-साथ अभी आप बहुत सारे विद्यार्थी बोर्ड का एग्जाम भी देने वाले होंगे तो बोर्ड और सीओटी को मैनेज करते हुए कैसे चलना है क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि जो आपका पेपर आएगा 2025 का उसमें आपको टाइम कितना मिलेगा हिस्ट्री के पेपर के लिए सारे जितने भी डोमेन सब्जेक्ट उनमें 45 मिनट्स दिए जा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है जैसे मैथ्स है अकाउंटेंसी है जीके जी है तो उसमें आपका टाइम जो है एक घंटा भी दिया जाता है लेकिन हमारा डोमेन हिस्ट्री है तो आपको 45 मिनट्स ही मिलेंगे लेकिन घबराने की बात नहीं है ये 45 मिनट्स कम नहीं होंगे आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे क्वेश्चन आपको पचास देखने को मिलेंगे लेकिन आपको करने चालीस ही है अगर आप एक क्वेश्चन को राइट करते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे पांच नंबर लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो तो ध्यान रखना पांच तो गए एक और गया यानी छह नंबर कटेंगे एक नंबर माइनस नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी टोटल पेपर आपका 200 का रहने वाला है क्या आप 200 में से 200 ला सकते हैं बहुत इजीली ला सकते हैं कैसे वह मैं आपको बताने वाली हूं बहुत सारे विद्यार्थी उत्कर्ष के चैनल से पढ़ करके दो सौ में से 200 बड़ी इजीली लेकर आए उनकी खुद की जुबानी वीडियो आप इसी सीओ के चैनल पर देख सकते हैं आइए बात करते हैं हमारी रणनीति की आप कैसे जो हिस्ट्री एग्जाम को दोगे किस प्रकार का पैटर्न पेपर में रहने वाला है उसको समझते हैं जो 2023 और 24 20 के पेपर हुए हैं उसको एनालिसिस करते हुए हम ट्रैक पर आगे बढ़ते हैं ये कोई नियम नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो हमने लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर के पेपर देखे उसमें किस तरीके के प्रश्न थे तो कुछ तो बिल्कुल सीधे-सीधे क्वेश्चन -सीधे, थे सभ्यता की कुछ कहां से हुई तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है हड़प्पा जहां पर ये पहले खोजी गई तो कुछ क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सीधे सीधे एनसीईआरटी -E में से मिल जाएंगे लेकिन इसी के साथ जो आपको रणनीति बनानी वह यह है कि आपको टाइमलाइन को भी देखना यस चैप्टर के पीछे क्या दी हुई है काल रेखा जनरली बोर्ड में उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते लेकिन सीटी के एग्जाम के लिए यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है अभी से ही हर चैप्टर को खत्म करने के बाद उसके पीछे जो काल रेखा है उसको जरूर तैयार करना है लगातार काल रेखा में से यह क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट चैप्टर की काल रेखा से दिया हुआ है तो काल रेखा आपको 100 परसेंट तैयार करनी है तभी आप इस तरीके के सुमिलित करने वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और उसको आप सॉल्व कर पाओगे देखो इसमें विजयनगर की यात्रा भी दे दी सब कुछ दे दिया तो यह जो आपको दिया है काल रेखा में से विजयनगर वाले चैप्टर में से उसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से अब बात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे स्तूप पहले बने कि उपनिषद पहले बने मंदिर कब बने यह भी काल रेखा में दिया हुआ है तो हर चैप्टर को एनसीईआरटी को पढ़ना है सबसे मेन जो मूल मंत्र है वह मैं आपको बता देती हूं जितने भी आपको इसमें सोर्स सोर्स मिलते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी की खास बात है है कि वह आपको सोर्स बताती। आपको बताती बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत रेयर पूछते हैं लेकिन सीयूटी में कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है तो यहां पर आपको 100 परसेंट सोर्स से क्वेश्चन मिलेंगे मान लो कोई चित्र दिया है तो चित्र के नीचे जो कुछ लिखा हुआ है वह भी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इसी के साथ साथ आपको काल रेखा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक एक चीज जो भी एनसीईआरटी में दी है वह आपको करनी है सुमिलित करने वाले क्वेश्चन मिल गए फिर कालक्रम के अनुसार जमाने वाले क्वेश्चन मिल गए फिर आपको इस तरीके का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने लेकिन आप सोचते हो तरह जैसे में छोटी क्लास में आपको, आपको, आपको यह पता चल जाएगा कि मुगल काल की बात कर रहा है फजल की बात कर रहा है यानी बादशाह उस समय कौन सा था अकबर था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे अरे ये तो चैप्टर नाइन्थ का बॉक्स दे दिया है चैप्टर नाइन्थ तो बोर्ड में है ही नहीं तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो चैप्टर आपके बोर्ड कोर्स के अंदर हटा दिया गया है शासक और इतिवृत्त वाला लेकिन वह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सीओ के एग्जाम में तो आपको हर चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तैयार करना है इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है मैडम हम क्या पढें कौन कौन सी और रेफरेंस बुक जो है हम उसको भी स्टडी करें कुछ नहीं पढ़ना सिर्फ और सिर्फ सीयू के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी टी है लेकिन उसके साथ एक शर्त है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है उसकी हर एक चीज हर एक पेज जो है आपको पढ़ना है जो बहुत नॉर्मल बात होती है वहां से भी क्वेश्चन दे देते हैं क्वेश्चन तो देते ही देते हैं नॉर्मल बात पर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सोर्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं चित्र से क्वेश्चन पूछ रहे हैं काल रेखा से पूछ रहे हैं यानी एनसीआरटी का एक एक पेज जो है वो बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है अब पैराग्राफ से यह क्वेश्चन पूछा मुगल ऐतिहासिक विवरण में बादशाहों को सर्वोच्च संप्रभु के रूप में देखा गया क्योंकि अब ये आपको पहले में नहीं दिया हुआ है लेकिन जब आपने चैप्टर को पढ़ा तो उसके कंसेप्ट के अंदर ये क्लियर है क्या इसका आंसर होगा तो यानी एक-एक कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होगा तभी आप आंसर दे सकोगे बी आर अंबेडकर के साथ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है इस तरीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा एक एक लाइन को इसमें सिर्फ वो आंसर देना है जो सही नहीं है जो राइट है वह राइट है जो नहीं राइट है वह आंसर निकालकर आपको वह सही उत्तर होगा तो बी केयरफुल छोटी सी गलती आपको बहुत बड़े सपने को तोड़ सकती है लेकिन छोटी छोटी सावधानियां आपके सपने को हंड्रेड साकार कर सकती है तो क्या सीखा क्या समझा आपने कि आपका जो पेपर 2025 का आने वाला है क्या उम्मीद करते हो कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे मिलेंगे जो बहुत इजी होंगे देखते ही फटाफट से आप उसको एक मिनट भी नहीं लोगे और उसका आंसर जो है दे दोगे एक और चीज ध्यान रखना अगर कभी भी इंग्लिश में हिंदी में आपके पेपर में कन्फ्यूजन हो रहा है कि सही क्या है तो इंग्लिश वाला ही मान्य होगा पेपर इस तरीके से खुलेगा एक तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे एक तरफ हिंदी में होंगे इंग्लिश वाला ही मान्यता दी जाएगी अगर कहीं पर भी कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप हिंदी के क्वेश्चन को करना लेकिन समय आपके पास खूब होगा आप उसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा चलो अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे चूज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे ट्रू फॉल्स देखने को मिलेंगे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन मिलेंगे और केस स्टडी वाले तो यह इस तरीके का पेपर जो है वह आपका 2025 का आई थिंक रहने वाला है हम ऐसी उम्मीद करते हैं और इस पेपर को बहुत ही बढ़िया तरीके से 200 में से 200 लाने के लिए क्या करें एनसीआर को बहुत अच्छे से पढ़ो जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको करो जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ दो उस पर आप गोला मत करो आप ये सोचते हो कि हम तो सारे ही गोले लगा देते हैं जो सही होंगे वो चेक हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जो फर्स्ट आपके क्वेश्चन पे टिक किया हुआ होगा वही चेक होंगे तो बिल्कुल इस बात की गलती नहीं करें कि हम सारे ही भर देते हैं जो सही होगा उसके नंबर मिल जाएंगे नहीं जो पहले वाले 40 क्वेश्चन होंगे वही चेक होंगे आपको 50 में से 40 ही क्वेश्चन करने हैं 10 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो समय बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो एक चीज और ध्यान रखना जैसे आप कुछ देख रहे हो आपको पूछा इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है तो जो गलत है उसको निकाल दो और फिर देख लो ऑप्शन में जहां पर भी वो वो आ रहा है है ऑप्शन तो तो क्रॉस ही हो गया तो सारे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके चार आंसर दिए हुए हैं इसमें से आपको पूछा है कौन सा सही है और इस आपको ध्यान पड़ रहा है कि बी तो गलत है बी इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो इनको तो हटा ही दो तो अपने आप ये आंसर सही हो जाएगा तो कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स है जिसके द्वारा समय पर सही तरीके से आप जो है अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो अभी से ही बोर्ड के साथ साथ ही सोर्स काल रेखा तैयार करनी शुरू कर दो यह स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच